दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है विटामिन और होम्योपैथी। अक्सर हमारे दिमाग में ये चीज़ आती हैं कि होम्योपैथी तो सभी रोगों को ठीक करती है, बड़े से बड़े रोगों को ठीक करती है, लेकिन इसमें जो है विटामिन की क्या व्यवस्था है। अक्सर अगर आप किसी होम्योपैथ के पास में जाएं, जिन जो ज्ञानी होम्योपैथ हैं, तो वो आपको हमेशा लक्षणों के हिसाब से ही आपकी देख भाल करेंगे, यानी आपको जो भी दवाइयां हैं वो लक्षणों के हिसाब से ही आपको देंगे। विटामिन की कमी होगी, उसके साथ में और भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो भी आपको वो लक्षणों के हिसाब से ही दवाइयां देंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कुछ पेटेंट नाम से, जैसे एलोपैथी में विटामिन के है, विटामिन के लिए हम होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ लें। तो इसमें जो है वो है जिरेनियम और अल्फा अल्फा। जिरेनियम जो है वो मदर टिंचर में और अल्फा अल्फा भी मदर टिंचर में आप विटामिन के कमी को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। अब कितने ड्रॉप्स लेंगे आप, ये निर्भर करेगा आपके डॉक्टर के ऊपर में। मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि हम जो है यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं आते हैं, हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए आते हैं, ताकि लोगों को ये जानकारी हो और वो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से, कंसल्टेंट से संपर्क करें। अभी जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा करें? विटामिन डी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं कैल्केरिया फ्लोर और कैल्केरिया फॉस से। कैल्केरिया फ्लोर की आप 30 की प्रोडेंसी में दिन में 4 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं या 2 बार ले सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। विटामिन सी के डिफिशेंसी को कैसे हम पूरा करें, इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो हैं कैल्केरिया फॉस और कार्बोवेज। इससे आप 200 की प्रोडेंसी में भी ले सकते हैं, 30 की प्रोडेंसी तो ले ही सकते हैं आप, 200 की प्रोडेंसी में ले सकते हैं। विटामिन B12 की डिफिशेंसी को हम कैसे पूरा करें, इसके लिए जो दवाई है होम्योपैथी में हमारे वो है कैल्केरिया फॉस। विटामिन बी के डिफिशेंसी को हम कैसे पूरा करें, तो उसके लिए जो दवा है वो है कैलीम्यूर। दोस्तों हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी को शायद ही एक जन्म में समझना मुमकिन होगा। ये एक समुद्र की तरह है, जहाँ पे आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको हीरा मिलेगा, बशर्ते कि इसे अच्छी तरह से समझा जाए। इसे समझना जो है वो काफ़ी हद तक जो है हमारे जैसे लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।